In August 2010, a cloudburst led to a massive flood devastating Leh, the capital of Ladakh in India's Jammu and Kashmir state. A cold desert, Ladakh has been witnessing extreme weather events such as recurring floods due to glacial lake outbursts. One of the reasons is changing weather patterns and global warming. We bring you an interaction with residents of Domkar village, 120 kilometers from Leh, as part of Center for Science and Environment's media team's training initiative. Domkar village, यहाँ से 120 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जाते हैं। मेरा नाम रिंचन दर्जी। रीजन में आपका जो गांव है वहाँ पे ऐसा कुछ आप लोगों ने खुद देखा है, खुद महसूस किया है, जिससे कि पता चले कि हाँ क्लाइमेट चेंज का कुछ दिख रहा हो? 5 सालों में हमारे यहाँ जो स्ट्रीम में है उसमें पानी ज़्यादा आते हैं। पहले तो हमें पता नहीं था कि ये किसके वजह से है, तो बाद में हमें ये पता चला कि ऊपर वहाँ लेक्स बहुत थे, उससे हमें वहाँ जाने का बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ। तो जाने से पहले हमने बुजुर्गों से पूछा लेक कहाँ किस तरफ होगा, वो कहते थे कि लेक बहुत बड़ा है मगर उसको सिर्फ अगस्त के महीने में देख सकते हैं। पहले ज़माने में वो शायद बहुत ठंडा होता था तो ज़्यादातर बर्फ़ में ढका रहता था, तो शायद ये राइजिंग टेम्परेचर की वजह से बर्फ पिघल रहा है। तो ये जो स्ट्रीम्स में आपके पानी ज़्यादा हो रहा है इससे आपके गांव पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? एक तो ये कि जो जब पानी ज़्यादा आता है जो स्ट्रीम के जो सामने जो खेत होता है या ग्रास वो सब जितना भी होता है लगभग खत्म होते जा रहे हैं। ये जो 2010 में फ्लैश फ्लड्स आए थे उसमें आपके उधर भी कुछ तबाही मची थी? उसमें वहाँ पे भी हैवी रेनफॉल हुआ था, क्लाउड बर्स्ट की वजह से बहुत से जितने भी ब्रिजेस थे सब ले गए थे, पूरा लैंड सब, तो उससे बहुत हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव। तो वहाँ पे डैमेज हो रहा है तो इसमें सरकार ने कुछ किया है इसमें आपके इलाके में? 2010 में जो फ्लड आया उससे जो फील्ड जो स्ट्रीम के सामने से वो ले गए उनको थोड़ा रिपेयरिंग किया है। अच्छा। कोई मिट्टी लेके उसको भराई करके फिर से कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उतना तो मेरे ख्याल से जितना पहले वो सॉइल होता है वो फर्टाइल उतना तो नहीं होगा। मैं फिर